गरिमा राकेश गौतम, कोटा राजस्थान से। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से आज आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ और मैं पवन शर्मा सर का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का निमंत्रण दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन के साथ मैं चार पंक्तियों से अपने काव्य यात्रा को प्रारंभ करूँगी। माँ शारदे को नमन करते हुए चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करती हूँ। तेरे दर पर दीवानों की तरह आते हैं, तेरे दर पर दीवानों की तरह आते हैं, तुझको क्या पता क्या क्या अरमान लिए आते हैं, तुझको क्या पता क्या क्या अरमान लिए आते हैं। तेरे दर्श की चाह खींच लाती है काना, तेरे दर्श की चाह खींच लाती है काना, बस तुझे देखकर ही तृप्त हो जाते हैं, बस तुझे देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। इसी के साथ, इस आधना के साथ, और सबसे पहले मैं भारत के ऊपर ही अपनी कविता रखना जा रही हूँ। कि कविता मैंने ये सोच करके लिखी है कि जब भारत आज़ाद हुआ होगा तो उसने क्या क्या सपने सजाए थे और क्या सही मायने में वो सारे सपने सच हुए हैं। जो भी सेनानी थे जिन्होंने अपने त्याग किया हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उन सभी सेनानियों ने जो कुछ भी सोचा था क्या वो सही हुआ है या नहीं, उसी सब को मैंने अपनी कविता में समेटा है और आप सभी के सामने मैं पेश करने जा रही हूँ। मैं भारत हूँ आज़ाद भारत, मैं भारत हूँ आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। बहुत खुश हुआ था मैं, बहुत खुश हुआ था मैं जब मैं आज़ाद हुआ था, बहुत खुश हुआ था मैं जब मैं आज़ाद हुआ था, तोड़ गुलामी की बेड़ियों को, तोड़ गुलामी की बेड़ियों को पंछी सा आकाश में उड़ा था, तोड़ गुलामी की बेड़ियों को पंछी सा आकाश में उड़ा था। लेकिन क्या यही मेरा सपना था, लेकिन क्या यही मेरा सपना था। आज अपने हाल पर मैं खुद आंसू बहा रहा हूँ, आज अपने हाल पर मैं खुद आंसू बहा रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। जातियों की आड़ में, मजहबों की बाड़ में, जातियों की आड़ में, धर्म की बाड़ में, मजहबों में मैं बटता ही जा रहा हूँ। जातियों की आड़ में, धर्म की बाड़ में, मजहबों में मैं बटता जा रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। नेताओं द्वारा लूटा गया, नेताओं द्वारा लूटा गया, सांप्रदायिकता की आग में जला, नेताओं द्वारा लूटा गया, सांप्रदायिकता की आग में जला, भूखे नंगे बेघरों को, भूखे नंगे बेघरों को भूख से मरता देख रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। इतनी पावन नदियाँ थी मेरी, पाप तक धो जाती थी। गंगा माँ सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि कितने भी पाप कर लो, जाके गंगा में स्नान कर लो, सब धुल जाते हैं। तो उन्हीं नदियों को केंद्र में रख कर के लिखा है कि इतनी पावन नदियाँ थी मेरी, पाप तक धो जाती थी, इतनी पावन नदियाँ थी मेरी, पाप तक धो जाती थी, आज उन्हीं नदियों को मैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ होता देख रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ होता देख रहा हूँ, मैं भारत आज़ाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। यूँ तो मैं आगे भी बढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम पीछे ही गए, हमने बहुत तरक्की भी की है, चांद तक भी गए हैं। अग्रिम पंक्तियों में है कि यूँ तो मैं आगे बढ़ा हूँ, चांद तक भी जा पहुँचा हूँ,
यूं तो मैं आगे बढ़ा हूँ, चांद तक भी जा पहुँचा हूँ, पर धरती पर अपनी ही बेटियों की करुण चित्कार सुन रहा हूँ। मैं भारत, आजाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। संस्कार सब भूले अपने, विदेशी रंग में ढल रहे हैं, अभी वर्तमान में कोई सा भी त्यौहार आता है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही मनाया जाता है, ऐसी मेरी फीलिंग है या ऐसी मेरी सोच हुई है। क्योंकि एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, आपको बधाई है, शुभकामना है, और उसके बाद त्यौहार का वो मजा ही नहीं आता है जो पुराने समय में आता था। तो उन्हीं पंक्तियों का आधार बनाकर लिखा है कि संस्कार सब भूले अपने, विदेशी रंग में ढल रहे हैं, मैं तो अपने ही त्योहारों को मोबाइल पे मनते देख रहा हूँ। मैं भारत, आजाद भारत, अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। इसी के साथ ये कविता मेरी पूर्ण होती है और मैं अपनी अगली कविता की ओर बढ़ना चाहती हूँ। बीच में बस दूसरी जो कविता है वो है काश। काश मैंने ये सोच करके लिखी है, कल्पना है मेरी। वैसे मैंने खुद ने ये कविता लिखी है और मैं खुद जानती हूँ कि अगर जिंदगी में ऐसा ही होता या ऐसा ही होगा तो एक तरह से जिंदगी सुनसान, वीरान, अजीब सी तरह की हो जाएगी। बिना संघर्ष के जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा, ये मैं खुद भी जानती हूँ और मैं खुद भी सोचती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा कभी मन था कि कुछ ऐसा लिखूं, तो वही मैं आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। सुनिएगा। काश जिंदगी में ऐसा भी होता, जिंदगी में सबको सब कुछ मिलता। क्या क्या मिलना चाहिए था जिंदगी में सबको, वो मेरी पंक्तियों में देखिएगा आप, कि ना कोई दुख होता ना कोई गम होता। जबकि मैं जानती हूँ कि अगर दुख नहीं आएगा व्यक्ति के जीवन में तो उसको सुख का मजा ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं लिखा है जो दिमाग में आया कि ना कोई दुख होता ना कोई गम होता, ना संघर्ष ही जीवन में होता, काश जिंदगी में ऐसा भी होता, ना कोई चाह अधूरी रहती ना कोई मुराद बाकी रहती, हसरतों का जहां सभी का पूर्ण होता। हर द्वार पर सूरज रोशनी बिखेरता। वैसे सूरज की रोशनी सभी जगह समान मात्रा में जाती है, लेकिन यहाँ जो मैंने सूरज की रोशनी लिया है वो उस अर्थ में लिया है कि सभी के जीवन में सुख होता। जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक भी जो भी सरकारी सुविधाएं होती है या जो भी अमीरों के पास सुविधा होती है वो सब भी उन लोगों तक पहुंचती, वो सोच करके इन पंक्तियों का सृजन किया है कि हर द्वार पर सूरज रोशनी बिखेरता, हर आंगन में चंदा चांदनी चमकाता, खिलता हुआ चमन सबके जीवन में होता, काश जिंदगी में ऐसा भी होता, होता वही जो हम चाहते, मिलता वही जो हम मांगते, दामन खुशियों से सभी का भरा होता, काश जिंदगी में ऐसा भी होता, ना जलता रेगिस्तान होता, कहीं तपता रेगिस्तान है और कहीं बिल्कुल ठंडक बर्फ है। उसी पे लिखा है कि ना जलता रेगिस्तान होता ना बर्फ सा हिमालय होता, ना जलता रेगिस्तान होता ना बर्फ सा हिमालय होता,
सारा ही संसार कश्मीर सा सुंदर होता। कश्मीर हमारे भारत की सबसे खूबसूरत जगह जो भारत के शीर्ष पर ही है और भारत की सुंदरता में और एकता में चार चांद लगाती है, उसी को कि ना जलता रेगिस्तान होता ना बर्फ सा हिमालय होता, ना जलता रेगिस्तान होता ना बर्फ सा हिमालय होता, सारा संसार कश्मीर सा सुंदर होता। काश जिंदगी में ऐसा भी होता, काश जिंदगी में ऐसा भी होता, जिंदगी में सबको सब कुछ मिलता, जिंदगी में सबको सब कुछ मिलता। इसी के साथ इस कविता को मैं विराम देती हूँ और इसके बाद मैं आपको एक गीत की तरफ लेकर के चलती हूँ। एक देशभक्ति की कविता हुई, एक काल्पनिक कविता जो यथार्थ में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख दुख वो पहिए हैं जो एक साथ चलते रहते हैं और व्यक्ति को दोनों चीज़ों का आभास ज़िंदगी में होना चाहिए, तभी ज़िंदगी का पूर्ण तरीके से मज़ा आता है। इसके बाद अगली कविता है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें हम घरों में बंद हैं, कैद हैं, हम पूर्ण तरीके से ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने घरों में कैद हैं। तो मैं एक गीत के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि फिर से वापस वही जीवन, वही खुशियाँ, वही उमंग और सब कुछ पहले जैसा हो जाए और सारी दुनिया में जो कोरोना तबाही मचा रहा है वो तबाही दूर हो जाए और सबका जीवन दोबारा से पटरी पर आ जाए। उसी के लिए लिखा है, सुनिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कूह कूह के तान से मन सबका हर्षा जाए। कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कूह कूह के तान से मन सबका हर्षा जाए। भावनाहीन हृदय मानव का रसमय फिर से हो जाए, भावनाहीन हृदय मानव का रसमय फिर से हो जाए। उजड़े चमन धरा के सारे, उजड़े चमन धरा के सारे पुन हरियाए हो जाए। कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कूह कूह के तान से मन सबका फिर हर्षा जाए। उगड़ी है छाती धरा की हरियाली चादर ओढ़ाए, उगड़ी है छाती धरा की हरियाली चादर ओढ़ाए, प्रकृति का प्यार हमें फिर सुत समान दुलरा जाए, प्रकृति का प्यार हमें फिर सुत समान दुलरा जाए। विष भरी हवाओं में कहीं दम हमारा न घुट जाए, विष भरी हवाओं में फिर दम हमारा न घुट जाए। चलो आंवला नीम वट पीपल का पौध लगा जाए, चलो आंवला नीम विपल का फिर से पौध लगा जाए। कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कूह कूह के तान से मन सबका फिर हर्षा जाए।
द्वार द्वार पर केल तुलसी पावनता फैला जाए, द्वार द्वार पर केल तुलसी पावनता फैला जाए, संध्या दीप जला घर घर में उल्लास मन में जगा जाए, संध्या दीप जला घर घर में उल्लास मन में जगा जाए, तरु की फुनगियों पर फिर पक्षी चहचहा जाए, तरु की फुनगियों पर फिर पक्षी चहचहा जाए, प्रेम भरा वातावरण पूरे विश्व का बन जाए, प्रेम भरा वातावरण पूरे विश्व का बन जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से बोरा जाए, कूह कूह के तान से मन सबका फिर हर्षा जाए, कूह कूह के तान से फिर मन सबका हर्षा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से हर्षा जाए, कुछ ऐसा करो कमाल की अमराई फिर से हर्षा जाए। इसी के साथ मेरा एक गीत और भगवान से ये प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द आप वापस हमें पुराने दिन लौटा दें, वही पेड़, वही झूले, वही बाहर का घूमना विचरना सब कुछ, और दुनिया को इस कोरोना महामारी से मुक्त कर दें। इसी के साथ अगली चार पंक्तियां मैं आँखों के ऊपर रखना चाहती हूँ, आँखों के ऊपर प्रेषित करना चाहती हूँ। अगली चार पंक्तियों के साथ पवन भी सुनिएगा। आँखें और आँखों की भाषा मौन अभिव्यक्ति की अभिलाषा, आँखें और आँखों की भाषा मौन अभिव्यक्ति की अभिलाषा, मन का आईना होती है ये, मन का आईना है आँखें, मन का आईना है आँखें, हया से झुकी शर्माई आँखें, मन का आईना है ये, हया से झुकी शर्माई आँखें, प्रणय और विरह में बरसती है आँखें, प्रणय और विरह में बरसती है आँखें, गम व खुशी की पहचान है आँखें, प्रणय और विरह में बरसती है आँखें, गम और खुशी की पहचान है आँखें, झील सी गहराई में दर्द समेटती आँखें, झील सी गहराई में दर्द समेटती आँखें, काजल से सजी मुस्कुराती आँखें, काजल से सजी मुस्कुराती आँखें, प्रेम का प्रथम चरण है आँखें, प्रेम का प्रथम चरण है आँखें, मृगनयनी के प्रेम का आमंत्रण है आँखें, मृगनयनी के प्रेम का आमंत्रण है आँखें, माँ के लाड पिता के वात्सल्य से भरी हुई है आँखें, माँ के लाड और पिता के वात्सल्य से भरी हुई है आँखें, आँखें और आँखों की भाषा, आँखें और आँखों की भाषा मौन अभिव्यक्ति की अभिलाषा, मौन अभिव्यक्ति की अभिलाषा। इसी के साथ मैं आप सभी को, हमारे देश में दहेज एक ऐसी प्रथा है जो बहुत समय से बेटियों को खाए जा रही हैं, लीले जा रही हैं, उन्हें मार रही हैं, उसी के ऊपर लिखी है। और जैसा कि मंच का नाम भी था जन सरोकार मंच, तो इस मंच के हिसाब से ही कि जनता से जुड़ी हुई समस्या है और जनता से जुड़ी हुई कविताओं को चुनने का मैंने प्रयास किया है और वैसी ही कविताएं लेकर के आई हूँ। तो जो दहेज है वो हमारे समाज की एक सबसे बड़ी और निर्दयी प्रथा मैं इसे कहूँगी कि इसके लिए
अपनी बेटी की खुशी के लिए पिता और माँ के द्वारा सब कुछ कर दिया जाता है, फिर भी कहीं जगह ऐसा होता है कि उन बेटियों को जला दिया जाता है। तो उसी के ऊपर मैंने दहेज के ऊपर एक कविता लिखी है, सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। कविता को मैंने दुल्हन के पहले दिन से जोड़ करके लिखा है कि जैसे ही वो नए घर में प्रवेश करती है तो उसको कैसा महसूस होता है जब वो इस प्रकार के शब्द सुनती है। दुल्हन के जोड़े में जब मैं नए घर आई, दुल्हन के जोड़े में जब मैं नए घर आई, पहला ही रखा कदम तभी आवाज ये आई। दुल्हन के जोड़े में जब मैं नए घर आई, पहला ही रखा कदम आवाज ये आई, दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। दुल्हन के जोड़े में जब मैं नए घर आई, दुल्हन के जोड़े में जब मैं नए घर आई, पहला ही रखा कदम तभी आवाज ये आई, दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। क्या प्रतिक्रिया हुई जब वो पहले ही दिन और पहले ही कदम में ये शब्द सुनती है कि दुल्हन क्या क्या साथ में लाई। सुनिएगा। ठगी सी रह गई, रुलाई सी आई, ठगी सी रह गई, रुलाई सी आई, छोड़ अपना सब कुछ ससुराल में मैं आई। ठगी सी रह गई, रुलाई सी आई, छोड़ अपना सब कुछ मैं ससुराल में आई। और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। रोते माँ बाप को छोड़ आई, रोते माँ बाप को छोड़ आई, भाइयों को अकेला कर आई। रोते माँ बाप को छोड़ आई, भाइयों को अकेला कर आई, महकता था जो आंगन मेरी किलकारियों से, महकता था जो आंगन मेरी किलकारियों से, उस आंगन को सूना कर आई, उस आंगन को सूना कर आई। और पूछते हैं ये दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, और पूछते हैं ये दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। सारी शरारतें अपनी चंचलता छोड़ आई, सारी शरारतें अपनी और चंचलता छोड़ आई, वो नदी वो पेड़ वो गलियां छोड़ आई, वो नदी वो पेड़ वो गलियां छोड़, जिम्मेदारी ओढ़ लाई। और दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, और पूछते हैं ये दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। यहाँ इन लोगों को जो दहेज के लोभी व्यक्ति होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या क्या छोड़ करके आ रही है, वो ये देखते हैं कि साथ में अपने और क्या क्या लेकर के आई है, और कमी हो तो हम और कुछ बताएं। आगे की पंक्तियाँ देखिए कि माँ का लाड़ पिता का दुलार, माँ का लाड़ पिता का दुलार, भाइयों का प्यार सखियों का साथ, माँ का लाड़ पिता का दुलार, भाइयों का प्यार सखियों का साथ, अपने घर की हर निशानी छोड़ आई, अपने घर की हर निशानी छोड़ आई। और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। छोड़ अपने बाबुल का घर, छोड़ अपने बाबुल का घर, तुम्हारा घर सजाने आई, छोड़ अपने बाबुल का घर, तुम्हारा घर सजाने आई। और पूछते हैं ये दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। अंतिम पंक्तियाँ जो मेरी है, मैं उस पर आप सभी लोगों का विशेष ध्यान रखवाना चाहूँगी कि ये मैंने क्यों लिखी है, कि कभी किसी लड़की के मन में ये भाव भी आ सकते हैं कि जब आप लोग मुझसे ये चीज़ें मांग रहे, तो आपने मुझसे संस्कार चीज़ नाम नहीं मांगा, या दहेज में आपने संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं मांगी, तो उसी को मैंने अगली पंक्तियों में सजाया है, और उस पर मैं आप लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहूँगी कि छोड़ अपने बाबुल के घर को तुम्हारा घर सजाने आई, छोड़ अपने बाबुल के घर को तुम्हारा घर सजाने आई, और पूछते हैं ये दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। कैसे कहूँ इनसे कि लाना तो संस्कार चाहती थी, कैसे कहूँ इनसे कि लाना तो संस्कार चाहती थी, पर आपकी मांगों को पूरा करने में, कैसे कहूँ इनसे
कि लाना तो संस्कार चाहती थी, पर आपकी मांगों को पूरा करने में जब बिक गए माँ के गहने, जब बिक गए माँ के गहने, गिरवी रखा गया घर मेरा, गिरवी रखा गया घर मेरा, घर का साया भी जब भाइयों के सर से हट गया, घर का साया भी जब भाइयों के सर से हट गया, बाप के झुके सर को, पिता के झुके सर को, वो जुड़े हाथों को देखा, पिता के झुके सर वो जुड़े हाथों को देखा, तो मैं भी अपने संस्कार वहीं गिरवी रखाई, तो मैं भी अपने संस्कार वहीं गिरवी रखाई। और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई, और पूछते हैं ये कि दुल्हन साथ में क्या क्या लाई। इसी के साथ मेरी कविता पूर्ण होती है। पवन भैया, अगर समय हो तो एक कविता और रखना चाहती हूँ, और अगर नहीं तो मैं अपने काव्य पाठ को यही विराम देना चाहती हूँ। अंतिम चार पंक्तियाँ। मैंने कृष्ण के मुक्तक से ही अपनी पंक्तियों की शुरुआत की थी, और उसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को अब विराम देना चाहूँगा। इसका नाम है जीवन पथ। दोनों रूप मैंने इस कविता में लिए हैं। जीवन के सुखद वर्णन भी है और दुखद वर्णन भी है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कभी कटीली झाड़ियों से भरा, कभी कटीली झाड़ियों से भरा, कभी दुख के सागर में गोते लगाता, कभी कटीली झाड़ियों से भरा, कभी दुख के सागर में गोते लगाता, कभी तूफान सा भयभीत कर डराता, कभी पतझड़ में झड़ा सा। कभी कटीली झाड़ियों से भरा, कभी दुख के सागर में गोते लगाता, कभी तूफान सा भयभीत कर डराता, कभी पतझड़ में झड़ा सा। कभी दुर्गम घाटियों की राह सा, कभी दुर्गम घाटियों की राह सा, कभी पगडंडियों के भटकाव सा, कभी दुर्गम घाटियों की राह सा, कभी पगडंडियों के भटकाव सा, कभी घोर अंधेरों से भरा है जीवन का पथ। और वर्तमान का समय भी इसी प्रकार का चल रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन। इसमें तो पगडंडियों पे जाने की भी अनुमति नहीं है, सिर्फ घर पे रहें और सुरक्षित रहें। कभी कटीली झाड़ियों से भरा, कभी दुख के सागर में गोते लगाता, कभी तूफान सा भयभीत कर डराता, कभी पतझड़ में झड़ा सा। कभी तूफान सा भयभीत कर डराता, कभी पतझड़ में झड़ा सा। कभी दुर्गम घाटियों की राह सा, कभी दुर्गम घाटियों की राह सा, कभी पगडंडियों के भटकाव सा, कभी पगडंडियों के भटकाव सा, कभी घोर अंधेरों सा, कभी घोर अंधेर सा है जीवन का पथ, है जीवन का पथ। अब इसी कविता का मैंने दूसरा रूप रखा है। पहला जो पथ था वो दुख वाला था, और अब इसी का कि जीवन का दूसरा पथ भी है वो मैंने इसी पंक्तियों में रखा है, सुनिए। कभी सुरम्य उपवन से अटा, कभी सुरम्य उपवन से अटा, कभी सुख के सागर से भरा, कभी सुरम्य उपवन से अटा, कभी सुख के सागर से भरा, कभी वसंत की मनोहर सुषमा सा, कभी वसंत की मनोहर सुषमा सा, कभी रमणीक हरित झांकियों सा, कभी रमणीक हरित झांकियों सा, कभी सुखद सरल गंतव्य सा, कभी सुखद सरल गंतव्य सा, कभी आशा के उजालों से भरा, कभी आशा के उजालों से भरा है जीवन का पथ, है जीवन का पथ। इसी के साथ कृष्ण की चार पंक्तियों के साथ मैं अपने काव्य को विराम देती हूँ। पवन सर, आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृष्ण की अंतिम चार पंक्तियों के साथ। हे कृष्ण, तू मुझ में समाया है कुछ ऐसे, हे कृष्ण तू मुझ में समाया है कुछ ऐसे, सामने भी है पर सामने नहीं, सामने भी है पर सामने नहीं, छू नहीं सकती महसूस कर सकती हूँ, छू नहीं सकती महसूस कर सकती हूँ, हँसती हूँ मैं, हँसती हूँ मैं तो मुस्कुराता तू भी है, हँसती हूँ मैं तो मुस्कुराता तू भी है, रोती हूँ मैं तो आंसू बहाता तू भी है, रोती हूँ मैं तो आंसू बहाता तू भी है, दर्पण से इतर नज़र आता नहीं, दर्पण से इतर नज़र आता नहीं, पर साथ हमेशा रहता तू भी है, पर साथ हमेशा रहता तू भी है। इसी के साथ पवन सर और जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर आने का निमंत्रण दिया, मुझे इस मंच पर
आने का सौभाग्य प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा को विराम करती हूँ। पवन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।